हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं पहलगाम, जहाँ पे है बर्रा, है ना मम्मी? क्या चीज है? सैफल। सैफल ये क्या होता है? केसर। अच्छा अच्छा, केसर है ये। ठीक है, गाइस ये केसर है जो कि बहुत ही महंगा बिकता है। और यहाँ पे पूरा बिल्कुल एंड से लेकर वहां तक केसर का खेती हो रखी है। चलो ठीक है, फिर अभी मैं आपको थोड़ा वो देख के फिर अपनी गाड़ी में जाएंगे। जय हिंद। देखो गाइस यहाँ पे भी है और ये कुछ अलग लग रहा है। खाते हैं? नहीं, ये होता ठंड वाली जगह है ना, जैसे दिल्ली विल्ली में नहीं होता। नहीं नहीं, दिल्ली ये बस कश्मीर में होता है, कश्मीर के बगैर कोई नहीं होता। और आप इस टाइम आओगे तो सारे खेत में आपको फूल दिखेंगे। और ये क्या, तू यूट्यूबर है? ये तो हम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हम तो कश्मीर में दूसरा नाम बोलते हैं। वो इतना इतना निकलता है ना, मूली जैसा। हाँ मूली जैसा, मूली तो सीधा होता है, ये गोल गोल होता है। हम तो दूसरी भाषा में बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हम तो गमछे बोलते हैं, गमछे। कोई ये सरसों है जो हमारे खेतों में भी होते हैं, ये तो मेरे को आते ही पहचान गया था। सर आइस आईफोन कई सैफरॉन की खेती देख के हम भी कर रहे हैं। अभी गिरते गिरते बच्चा स्पेशल टैक्सी गाइस हमारे लिए। चलो चलते फिर। बादाम के पेड़ यहाँ पे भी हैं, अंकल बता रहे हैं। हाँ हाँ, फिर उसको बदल देते हैं इसी महीने में, बदल देते हैं। फिर वो बारिश में फिर वो पच्चे बच्चे निकलते हैं उससे, फिर अक्टूबर सितंबर में लतपुर अटैक यहीं पे हुआ था। कौन सा अटैक? लतपुर अटैक। पता है ना, आपने टीवी में देखा होगा, वही पुलवामा है, नतपुर है ना, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट यही है। अच्छा, पुलवामा अटैक यही पे हुआ। पुलवामा अटैक तो नहीं, यही पे रोड पे हम खड़े हैं। अच्छा, यही रोड था, उसकी गाड़ी पड़ी हुई। ऐसा ही सी था रोड। केसर वेसर और बादाम और बेड बनते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ब्रेड यही जाते हैं। अच्छा, यहाँ के यहाँ पे फैक्ट्री है और ब्रेड यहीं से जाता है बाहर इंटरनेशनल के लिए। पूरा बन के जाता है? हाँ पूरा, फिर ये कोरियन के साथ जाता है बाहर। ये देखो आप यहीं पे केसर देखोगे, और कुछ नहीं, केसर बादाम और ब्रेड। बादाम और ब्रेड जब हम पहलगाम से वापस आएंगे फिर खरीदना, जो आपको मर्जी है वही खरीदना। और प्योर भी देगा ये, इनको पता है अगर हम गलत देंगे तो अगली बार टूरिस्ट हमारे पास नहीं आएंगे। टूरिस्ट को तो कई बार दे देते हैं ना ऐसे ही। वो तो लोकल, वो तो सिनेगर या कहीं जाकर खरीदते हैं, इनको पता नहीं होता है ना। या तो अपने साथ कश्मीर को किसी को साथ में लेना होता है, उनको पता होता है कि कैसर कैसा है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ग्राम होता है पता नहीं, हमारी तो खेती है सेब की। सेब की खेती? हाँ, हमारे घर में सेब की खेती है, हमारी केसर की। ये इलाका अलग होता है, जैसे बादाम और ये अखरोट की खेती अलग होती है, धान की खेती अलग होती है, सेब की खेती अलग होती है। हमारे पूरे इलाके में सेब ही है और कुछ नहीं। तो आप कैसे देते हो वहाँ पे सेब? कैसे बेचते हो सेब? तो हम मैडम उनकी अलग अलग रेट होती है, जैसे अगर ज्यादा लाल होंगे साफ होंगे तो 1200-1300 होती है एक पेटी। पेटी में लगभग 14 किलो होते हैं, 14 किलो 15 किलो 13 किलो ऐसे ही देता हूँ। गाइस देखो पेड़ के कटे हुए लकड़ियाँ जिससे बेड बनते हैं। ओके गाइस देखो ये इतनी सारी लकड़ियाँ बेड के लिए। गाइस देखो एप्पल पेड़, एप्पल का पेड़। गाइस देखो कितने सारे एप्पल लगे हैं और वो सारे झड़े हुए, वो पूरा खेत है गाइस यहाँ पे।
और यहाँ पे अभी ये तो वैसे लगा रखे हैं, ये देखो ऐसे लगे, वरना ये ऐसे ऐसे होता है, कहीं पे गया यहीं पे होता है ऐसे ऐसे लगा रखे। ये तो बहुत सारे लगे होने चीज पे, फिर सारे जड़ गए। ये लगा रखे हैं, बढ़िया है भाई। देखो एप्पल जूस पी रहा हूँ, रियल एप्पल का जूस है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ देखो ऐसी स्नो पड़ी मिलेगी आपको, देखना। अभी तो पहाड़ से ऊपर, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। हाँ कहाँ जा रहे हैं? पहलगाम जा रहे हैं हम, पहलगाम। ये सारे एप्पल के पेड़ हैं, पर बिल्कुल सामने है। वीडियो बनाना है? बना रहा हूँ, बिल्कुल ये रही बर्फ, ये रही। ओ भाई साहब, इग्लू हाँ। इग्लू नहीं होता, वो स्नोमैन होता है। चलो बनाते हैं गाइस स्नोमैन। फाइव स्टार खा लो गाइस। अभी ऊपर चढ़े ना, जब और मस्त व्यू होगा। सो गाइस पहुंच चुके हैं, अभी हमें वहां जाना है पर बिल्कुल, तो हम घोड़े पे जाएंगे। शायद मैं ब्लॉगिंग करूंगा, और शायद ना भी कर सकूं, और शायद सक्षम भी कर सकता है, और शायद पता नहीं यार। एक तो हाथ से गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ही स्लिप हो रहा है, देखो गिर गया ना, हड्डी टूट जाएगी। ये है मच्छू। चलो फिर यहाँ पे अभी कहीं चलेंगे, फिर गिर जाएगा यार। बाहर कूदियो बाहर, ऊपर ये लड़का ना कूद। गाइस देखो पानी जम रहा है, देखो मैं तोड़ रहा हूँ, तोड़ दिया। भाई पानी, मेरा फोन पानी पानी हो गया। बढ़िया स्नोमैन में आ रही है कि लोग आके फोटो खींच रहे हैं, है ना सक्षम? अबे साइडों का वीडियो बना ले, साइडों का वीडियो बना ले। कैसे बर्फ गिर रही है? बर्फ ही बर्फ है, तू पागल हो रहा है? बस बंद करो। सक्षम सक्षम आ जा, ऊपर मिले जल्दी आओ ऊपर, वहां पर कोई बाइक चला रहा है। चलो नहीं निकलेगी भाई, बच ले आराम से। आ जाओ बढ़िया, कोई नो प्रॉब्लम, बस बस। इस ये क्या पूछने के आते हैं?
ब्रश करके फिर आएंगे। Yes. चलो ठीक है, ओके पहुंच लिया। मैं चढ़ चुका हूँ, स्लिपो ले आ लिया मैं तो फुल गाने जाते हुए चल रहा है। पूरे पैर दस ले ऊपर चल के मिलता हूँ गाइस। स्टार्ट जल्दी आ, चल चल जल्दी चल। गाइस स्नोफॉल शुरू हो चुकी है आराम से। सारे चिल्ला रहे थे अभी मैं वीडियो बनाना भूल गया और ये मेरा स्नोमैन बन चुका है। ये गाइस क्या हो गया? कुछ नहीं तो फोटो गाइस। अभी हम जिस रास्ते से आए हैं ना लिटरली उस रास्ते पे इतने खड्डे थे, इतने खड्डे थे, जहाँ से आए थे वहां से बिल्कुल भी नहीं आए। मैंने कहा छोटा पड़ेगा पर अभी भी चलना ही पड़ता है। उस वाली रोड पे आ चुके हैं, पता नहीं कौन सी वाली। सो अभी आपको मिलते हैं गाड़ी में, अगर कुछ बीच में इंटरेस्टिंग मिला तो आपको दिखाएंगे जरूर। गाइस देखो लकड़ियों में भी लिटरली स्नो फॉल हो रखी है। सो गाइस अभी होटल में रुके फिर खाना खाते फिर चलेंगे। गाइस होटल में रुके फिर खाना खाते फिर चलेंगे, ठीक है? दुनिया को सुना ले मेरी आवाज। डॉगीज मेरे पास आ रहे हैं भाई। नहीं है खत्म हो गया, दे तो दिया था अभी तेरे को सारा माल और दे दो। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पहले मेरे हाथ से हटा। Leave a like if you enjoying my YouTube channel's videos and subscribe कर देना, like भी कर देना। और क्या करें, चेरी खा लो, रेड चेरी लिया अभी हमने केसर के साथ। और बाय बाय।